जिला में कोरोना संक्रमितों की हर दिन बढ़ती बेतहाशा तादाद के चलते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन चिंताग्रस्त हो उठा है। जिला में वैश्विक महामारी के चलते बद से बदतर होती स्थिति पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर को आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के मद्देनजर मंगलवार को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कृषि मंत्री ने डीसी ऊना और सीएमओ ऊना के साथ अन्य अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल कर जरूरी कदम उठाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में जहां एक तरफ वैश्विक महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों में इसके प्रति खौफ बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी अपनी पंचायत में लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया। वहीं जिला के एकमात्र डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर में कोई भी बेड खाली ना बचने के बाद अब मरीजों को हरोली उपमंडल के ही पालकवाह में तैयार मेकशिफ्ट अस्पताल में रखा जाएगा। मंगलवार से अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए शुरू किया गया है। अस्पताल में एक साथ 51 कोरोना संक्रमितों को रखा जा सकेगा। साथ ही इनके लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। वर्तमान में डीएचसी हरोली में 30 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं मेकशिफ्ट अस्पताल में वेंटिलेटर समेत ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अस्पताल में 51 बेड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फिलहाल इस अस्पताल को 21 बेड की व्यवस्था के साथ शुरू किया गया है। आज पहली बैठक हरोली में हमने पीआरआईज के साथ जो है वो की है। बहुत ही अच्छा सुझाव जो है उनके रहे हैं और हमने कहा है कि इस सेकंड वेव जो है कोरोना की, ये अति भयानक है और लोगों के अंदर कोरोना के प्रति जो है वो एक डर सा जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर से लोगों को जागृत करने के लिए जो है वो विलेज लेवल तक जो है वो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो लोग हैं वो मीटिंगें करें, प्रमुख लोगों के साथ मीटिंगें करें, गांव के अंदर इस चीज़ को कि सोशल गैदरिंग ना हो, भंडारे ना हो और कोई बाहर से आए, तो ये प्रशासन के ध्यान में ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर के आएँ और एक बेहतर तालमेल जो है वो विभागों के बीच में और पीआरआईज के बीच में जो है वो बने, ताकि हम कोविड से लड़ने के लिए जो है वो जहाँ तैयार भी हैं और पूरी तरह से लड़ेंगे। और साथ में पीआरआईज को जो है वो हमने कहा है कि वो लोगों को प्रेरित करें कि जल्दी से जल्दी जिसकी टर्न आती है वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवाएं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हरोली से राहुल के साथ चंद्रमोहन चौहान।